हेलो गाइस नमस्कार, वेलकम टू ऑनलाइन ज्ञान भाई आनंद। तो मैं उत्तराखंड के प्यारे साथियों, यूके 3+C चयन आयोग ने एक भर्ती विज्ञप्ति ऑफिशियली निकाली है। मित्रों, इस भर्ती विज्ञप्ति की आपको जानकारी एंड वीडियो बीपीडीओ का री एग्जाम, हमारा बंद रोका का री एग्जाम एंड सचिवालय सुरक्षा गार्ड का री एग्जाम कब तक होगा, परीक्षा कैलेंडर कब आएगा, चलिए इसके बारे में भी आपको जानकारी देते हैं। मित्रों, पहले जानते हैं यूके 3+C चयन आयोग की इस भर्ती विज्ञप्ति के बारे में। मित्रों, आपको पता है यूके 3+C चयन आयोग में अभी हमारे अध्यक्ष जी हैं, अभी हमारे नए जो परीक्षा नियंत्रक हैं उनकी नियुक्ति हुई है, जी है, यानी जो स्टाफ है लगभग ऊपरी स्टाफ कंप्लीट है। बात करें तो वहां पर आवश्यकता है एक कंप्यूटर प्रोग्रामर की। काफी टाइम से आपको पता है कंप्यूटर प्रोग्रामर यूके 3+C चयन आयोग में नहीं है, इसीलिए जो हमारे काम है वो रुके हुए हैं। जैसे हम बात करें एग्जाम कैलेंडर की और अन्य परीक्षाओं की, तो बताया जा रहा है कि यदि प्रोग्रामर वहां पर होते तो हमारे ये कार्य जो है आज तक आगे बढ़ जाते। तो प्रोग्रामर की आवश्यकता है यूके 3+C चयन आयोग के कार्यालय में। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन आयोग ने निर्धारित की है MCA / BTech और MTech इन कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और जॉब एनालिसिस जो है डाटा हैंडलिंग, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन एंड रिजल्ट प्रिपरेशन एंड पर रिजर्वेशन क्राइटेरिया उत्तराखंड गवर्नमेंट, जो जॉब डिस्क्रिप्शन दिया है यहाँ पे नॉलेज अंडरस्टैंडिंग स्किल जो होनी चाहिए, डाटा प्रिपरेशन का ज्ञान होना चाहिए, डिफरेंट टाइप ऑफ सैम्पलिंग डिजाइन का ये चीज़ें हैं, रिजल्ट प्रिपरेशन विथ रिस्पेक्ट और डिफरेंट टाइप ऑफ वर्टिकल हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। तो इसमें जो एक्सपीरियंस मांगा है मित्रों, एटलीस्ट 4 ईयर का एक्सपीरियंस इन सॉफ्टवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट, टेस्टिंग एंड ऑडिटिंग एंड इंप्लीमेंटेशन एंड डाटाबेस डिजाइन। तो मित्रों, इससे आप लोग समझे होंगे कि हमारे यूके 3+C चाइना के जो कार्य है अभी क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि वहां पर अभी हमारा कंप्यूटर जो प्रोग्रामर है वो वहां पर नहीं है, इसलिए हमारे जो रिजल्ट अभी रुके हुए हैं, रिजल्ट नहीं निकल पा रहे हैं और जो हमारा एग्जाम कैलेंडर आना था वो नहीं आ पा रहा है। तो बताया जा रहा है कि यदि यहां पर प्रोग्रामर हमारे उपलब्ध हो जाते हैं कुछ समय में, तो आपको जल्द ही एग्जाम कैलेंडर एंड हमारा ये रिजल्ट जो हमारे रुके हुए हैं वो जल्द जारी हो जाएंगे। मित्रों, इसमें जो दिया गया है पूरी जानकारी है, यदि कोई इस कैटेगरी से बिलोंग करता है तो वो लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपना आवेदन कर सकते हैं। फिलहाल वीडियो भी वीडियो की बात करें एंड सचिवालय सुरक्षा गार्ड की बात करें एंड बंदरों का री एग्जाम की बात करें, अप्रैल से लेकर आयोग ने बताया है कि हम जून तक इन तीनों परीक्षाओं को कंडक्ट करवा देंगे। मित्रों, तो अप्रैल लास्ट से और जून पहले पहले आपके ये परीक्षाएं खत्म होने वाली हैं। सबसे पहले आपका जो एग्जाम है सचिवालय सुरक्षा का, फिर बंदरों का, फिर आपका अंतिम होगा आपका वीडियो बीपीडीओ का री एग्जाम। तो अपनी तैयारी को आप लोग स्टार्ट जो कर रहे हो, आपने पहले से करी होगी, तो अपनी तेजी से आप लोग स्टार्ट करो साथियों, क्योंकि एग्जाम जो आपके री एग्जाम जल्द होने वाला है। यूके 3+C चयन आयोग परीक्षा कैलेंडर पर अभी कार्य कर रहा है, जैसे ही ऑफिशियल अपडेट आती है मित्रों, मैं आपको तुरंत इसकी सूचना दे दूंगा, आप लोग हमसे जुड़ रहेगा। जैसे ही ऑफिशियल कोई अपडेट आती है परीक्षा कैलेंडर अन्य परीक्षाओं से संबंधित, मैं आपको उसकी भी जानकारी दे दूंगा। आप लोग नहीं जुड़े हमसे, सब्सक्राइब आप लोग जरूर करें, लाल कलर का होगा उसको प्रेस करके बगल में बेल आइकन करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें। मित्रों, यूके 3+C चाइना की हर एक भर्ती अपडेट आपको हम समय रहते देने का प्रयास करते हैं। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, थैंक यू वेरी मच।